नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज खबर प्रयागराज से। विश्व के सबसे बड़े नगाड़े के साथ भगवान श्री राम लला के भव्य दर्शन एवं म्यूजियम में स्थापना हेतु मोहित अग्रवाल, मनीष गुप्ता व शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति रीवा के नेतृत्व में 101 वाहनों के ट्रेलर ट्रक के माध्यम से नगाड़े को ले जा रहे श्री राम भक्तों का वार्डर चौकठा नारी बारी पर जोरदार स्वागत अभिनंदन गौरक्षा विभाग कांशी प्रांत के मंत्री लालमणि तिवारी व संघ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भाजपा कार्यकर्ता एवं नागरिकों द्वारा किया गया। इसके बाद यात्रा का जारी गौहनिया प्रयागराज होते हुए यात्रा अयोध्या धाम को प्रस्थान कर गई। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया, नगाड़े को शिवरात्रि पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है, जिसका लगभग वजन 1100 किलो, आयतन 120 इंच बाई 120 इंच, गोलाई 384 इंच है। यात्रा 12 मार्च को बैजू धर्मशाला रीवा से चलकर जगह जगह स्वागत आरती पूजन करते हुए रात्रि में अयोध्या धाम पहुंचेगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से संवाददाता दिलीप कुमार चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बड़े हुजूम के साथ अयोध्या दर्शन का उद्देश्य, बड़े चेहरे पे मुस्कान है, इसका क्या राज है? पहले तो सभी को हर हर महादेव जय श्री राम। शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति रीवा के द्वारा जो है इस नगाड़े का निर्माण करवाया गया है। विगत वर्ष आयोजन समिति के द्वारा जो 5100 किलो खिचड़ी बना करके विश्व का रिकॉर्ड बनाया गया था, और इसी की प्रेरणा से और इस बार जब प्रभु रामलला की जन्मभूमि की दिनांक स्थापना दिनांक घोषित हुई, समिति के द्वारा हुआ कि कुछ विशेष इंतजार किया जाए जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित किया जाए। इसकी कड़ी में देखते हुए जो है उससे वो जो है नगाड़े का हम लोगों ने रूप दिया। इसका जो साइज है लगभग 11x11 का है, इसका वजन 1100 किलो का है, और इसकी ऊपर की जो गोलाई है वो 384 इंच की है, क्योंकि चूँकि यही इसका रिकॉर्ड है जो कि 384 इंच का विश्व में अभी कोई नगाड़ा नहीं है। ये जो मटेरियल है लगभग कानपुर से आया और लगभग लखनऊ के कारीगर लगे थे। लगभग 2 महीने में समिति ने इसका निर्माण कार्य पूरा किया, और अभी शिवरात्रि के पावन पर्व पर जो रीवा में बहुत बड़ी शिव बारात निकलती है, उसमें पूरा रीवा पूरा भ्रमण करवाया गया, जिसमें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम आई, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम आई, और गिनीज बुक ऑफ में भी वो प्रोसेस में पड़ा हुआ है। क्या परिचय है? मोहित अग्रवाल, कार समिति सदस्य और नगाड़ा निर्माण समिति के सदस्य। ये जो इतना बड़ा नगाड़ा के साथ यात्रा आप लोगों ने निकाला है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रभु राम लला के मंदिर बनने के बाद सबकी श्रद्धा भक्ति है कि हम कुछ न कुछ अयोध्या के लिए करें, और इसी सोच को लेकर के शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति रीवा के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा 1100 किलो वजन का नगाड़ा तैयार कराया गया है, जो वहाँ पर मोहित अग्रवाल जी, मनीष गुप्ता जी और उनके सहयोगियों पूरी टीम के लगभग 101 गाड़ियों के काफिले के साथ ही आज अयोध्या जा रहा है। कल वहाँ पर सब लोग जाके भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा पर चाक घाट में यात्रा आने पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित यहाँ के जन सामान्य के द्वारा सैकड़ों की संख्या में लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया, नगाड़ा का पूजन अर्चन किया गया, और यह नगाड़ा जो अयोध्या में मंदिर बनने के बाद म्यूजियम बनेगा, उस म्यूजियम में रखा जाएगा, क्योंकि देश से ही नहीं पूरे विश्व से सबकी श्रद्धा भक्ति है। कुछ ना कुछ लोग अयोध्या राम मंदिर के लिए अपने तरफ से योगदान दे रहे हैं, और सब अभी ये जाके अधिकार से उपक्रम में रखा जाएगा। जिस दिन म्यूजियम बनकर तैयार हो जाएगा, ये नगाड़ा वहाँ के म्यूजियम में रखा जाएगा। क्या परिचय है? मेरा नाम लालमणि तिवारी है, प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा। हमारे बगल में मोहित अग्रवाल जी हैं, यात्रा के साथ चल रहे हैं। भाई साहब का नाम लवकुश गुप्ता जी हैं, और इनकी पूरी टीम है, सैकड़ों लोगों की।